مصطفى دقيقة بالله حرف के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हर्फ है और वो वर्ड होते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता जैसे आप ऑफ इन दैट अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु आज हम आपको लेके जा रहे हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने स्पीड लगता है फिसलना पड़ेगा يا مصطفى دقيقة بالله شايف كيف تضحك ها میرا دوست ابھی آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں مغرب سے موروکو سے اور میں تصویر بنا رہے تو تصور نہیں وانا زحلق ہا یہی مجھے لے کے جا رہے ہیں जुम्मा पढ़ने वाली जगह पे इंशाअल्लाह तो चलते हैं आप भी चलिए हमारे साथ रमज़ान का महीना है तो लास्ट वीडियो पे आपसे अरबिक के बारे में कुछ थोड़ा सा चिट चैट हुई थी जिसमें हमने सीखा था तीन टाइप की अरबी होती हैं स्ट्रीट अरबिक जो डायलैक्ट्स होते हैं और फुसहा अरबिक और तीसरा एंशंट अरबिक जो फुसहा अरबिक होती है फॉर्मल अरबिक होती है और जो वो पार्ट ऑफ एंशंट अरबिक होती है और आज हम ग्रामर के बारे में पढ़ेंगे ग्रामर की जो सिंपल डेफिनेशन वो ये है कि आप लोग अपने लफ्ज़ को किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं यानी हम कोई उल्टा फुल्टा जुमला जो है जब बनाते हैं तो उसकी कोई सेंस नहीं बनती है तो लफ्ज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सही स्ट्रक्चर पे यूज़ करना जैसे मैं अभी कर रहा हूँ इसको बोलते हैं ग्रामर ठीक है और ग्रामर के तीन पार्ट्स हैं इसम फ़ैल और हर्फ इसम फ़ैल और हर्फ हर्फ के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं जो हर्फ है और वो वर्ड होते हैं जिसका कोई सेंस नहीं होता जैसे आप ऑफ इन दैट द जब कोई आपको क्वेश्चन करता है तो आप उसके रिप्लाई में अगर आप जवाब दें और उसका कोई सेंस ना बने फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं कि आप क्या काम करते हैं और आप जवाब में दें वो तो इसका कोई सेंस नहीं बनता राइट तो इंग्लिश में हर्फ को प्रपोजिशन बोलते हैं और इन दैट एट ऑन अपॉन दिस दैट ये सारे जो से हैं हर्फ कहलाते हैं तो आज के लिए अरबिक में इतना ही काफ़ी है फिर हम बाद में इसम और फ़ाइल के बारे में बात करेंगे बाकी अभी आप चेक कीजिए आगे फिर हम जंगल में पहुंच चुके हैं मेरा दोस्त बोल रहा था कि यहाँ पर बियर वगैरह होते हैं मेरा कोई मसला नहीं है हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं नो प्रॉब्लम्स इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पज़ है वो व्यूअरशिप या सब्सक्रिप्शन नहीं है मैं अगर अल्लाह ने आपको इस्तेआदा दी है तो मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ जिसमें आपकी डोनेशन रिक्वायर है अल्लाह ताला ने अगर आपको इस्तेआदा दी है तो आप प्लीज़ डोनेट करें हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और बहनों के लिए और हमारे बच्चों के लिए जो इस टाइम पे मुश्किल हालात में है अदरवाइज़ ये कैमरा और ये स्टिक लेके घूमने का कोई जवाज़ नहीं है मैं अपने होटल रूम में बैठ के आराम से
सोता रहता है या रेस्ट करता। तो प्लीज़ द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो इज़ कि आप डोनेट करें, हेल्प करें, और अगर हम एज अ मुस्लिम और एज अ ह्यूमन अगर हम हमारे अंदर एहसास नहीं है तो हम फिर हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सूरज भी निकले जंगल में हम लोग शुभ शक्लो अगर तब